यहाँ पे लगाए हुए हैं काफी अच्छे अच्छे स्टॉल अपने अपने हर चीज की ट्रेडिशनल। यहाँ ये देखिए पहाड़ी सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ पे। क्या क्या है यहाँ पे, क्या क्या है? अच्छा, लाल मडवे का और काले मडवे का आटा है। अच्छा, और घर के चावल है, चावल वाले। हाँ, और इसको बोलते हैं भंगीरा है, चटनी के काम आता है, पेट संबंधी समस्या के काम आता है। अच्छा, और माल्टा शायद और माल्टा है और चलो मैम आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको मेले पे आके? बस बढ़िया। और यहाँ पे देखिए यहाँ भी है काफी अच्छी स्टोर, क्योंकि हमारे उत्तराखंड की है तो पहली झांकी हम इनकी दिखा रहे हैं, उसके बाद हम जाते हैं आगे को। यहाँ से काफी अच्छे अच्छे स्टॉल लगे आप देखिए, ये है उत्तराखंड की हमारे। हेलो अंकल जी, तो आप क्या लेके आए हो अपने? ये क्या है, ये क्या है? ये पंजी है। हाँ, और ये रेख है। अच्छा, और ये अच्छा, और बाकी इनमें क्या है? ये दवा है। अच्छा, और ये दवा। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके थैंक यू। तो हमारे अंकल जी के वहाँ से भी सारे सामान लेके जाएंगे सारे उत्तराखंडी। मैं सबको निवेदन करती हूँ कि ले जाएं अच्छे से। तो यहाँ पे जाते हैं, तो यहाँ पे तो ये है हमारे उत्तराखंड की सबसे फेमस ब्रोकली है, ये ब्रोकली है, और ये है बंद गोभी और फूल गोभी, आप देख सकते हैं ब्रोकली वगैरह। और यहाँ पे है इतनी सारी फूल गोभी, देखिए वगैरह काफी अच्छा सुंदर लग रहा है। ये है सबसे पहले हम देखना चाहेंगे यहाँ पे काफी अच्छे अच्छे, ये मशरूम वगैरह है, पहाड़ी हल्दी है और चूक है और अदरक वगैरह है सारा पहाड़ी, अमरूद है, चूक वगैरह सब कुछ काफी सुंदर लग रहा है यहाँ से। निर्भर है यहाँ जुड़ना चाहेंगे या माँ बालाजी मंदिर में, तो इस अनुरोध के साथ आप सब यहाँ पर मंच पर पहुँचने की कृपा करेंगे। धन्यवाद बड़े भाई हरीश कटानी जी। तो यहाँ पे भी इन्होंने अपने स्टॉल वगैरह लगा रखे हैं और यहाँ भी लगा रखे हैं सारे, काफी अच्छे लगे हुए हैं। तो मैं दिखाती हूँ यहाँ से कुछ इस तरीके से दिख रहा है आप देखिए। तो बीच में अगर मेरी आवाज ना पहुँच जाए तो यहाँ पे बहुत शोर शराबा हो रखा है, तो काफी अच्छा यहाँ पे लग रहा है आगे। तो सबने अपने अपने स्टॉल लगा रखे हैं बहुत अच्छे सुंदर तरीके से आप देखिए यहाँ से। ये देखिए अमन बैठा हुआ सबसे आगे से, तो कौन से स्कूल से है? माओमा स्कूल से है, यहाँ पे बैठे हुए हैं। बाकी और सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं अपने झांकी के साथ, ऐसे ऐसे करके बैठे हुए हैं। यहाँ पे हमारे आदरणीय सब लोग बैठे हुए हैं और तनुज त्रिवाजी संचालक श्रीमान गणेश उपाध्याय जी, सामाजिक कार्यकर्ता कि उन्होंने हमारे तमाम मेलार्थियों के लिए भोजन व्यवस्था की है, और जो कि मेरे ठीक बाएं साइड को है विभागीय स्टॉल लगाए गए हैं। मैं समस्त जो स्टॉल के जो प्रभारी है उनका भी मंच के माध्यम से मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे मध्य हमारे डिप्टी सीएमओ श्रीमान पोखरियाल जी हमारे समूह पहुंच गए हैं। मैं मंच के माध्यम से आपसे निवेदन करता हूं, कृपया मंच की ओर आकर अपना स्थान करने की कृपा करेंगे। साथ में आपके डॉक्टर जितेंद्र सर आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप श्रीमान प्रभारी सीएमओ चिकित्सा अधिकारी आपसे निवेदन करते हैं। डॉक्टर सीता साक्षात, डॉक्टर विजय कुमार, डॉक्टर विनीता हरिया, श्री नवीन जोशी, श्री विनोद देव, श्री हरीश मोरपली, श्री मनोज कुमार, श्री शेर सिंह, श्री धवन गिरी, श्री जोगेंद्र लाल, ठीक मेरे जो मंच के सामने जो भी विभाग का आज स्टॉल लगाया गया है, विभाग की जानकारी जो कि ताकि लोगों तक हमारी विभाग की जो जानकारी पहुंचाई जा रही है, मैं तहे दिल से विभाग की स्टॉल का भी मंच के माध्यम से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथ में जिन बच्चों ने पुनः एनसीसी कैडेट आपसे निवेदन करता हूँ, और जो कि आज के कार्यक्रम के नोडल अधिकारी है सहायक नोडल अधिकारी श्रीमान ध्यानचंद जोशी जी आपसे निवेदन करता हूँ।
हमारे यहाँ भाकरा वगैरह पहने हुए हैं। मेरे सहयोगी श्रीमान सुंदर सिंह देव जी आप ही मंच की ओर हाजिर बनेंगे। हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो। कहाँ से हो आप लोग? पुलिस क्षेत्र अधिकारी श्रीमान परिहार जी। तो आप देख सकते हैं काफी अच्छा लुकिंग का लग रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये देखिए बच्चे भी हैं और बड़े भी हैं। शुरू हो रही है, छात्रियाँ अपने अपने बच्चों के साथ सारे जा रहे हैं, टीचर्स लोग यहाँ से दूसरे नंबर पर लगेंगे। अपने आदर्श विद्यालय के साथ ये देखिए छत पे काफी अच्छा इनकम दिख रहा है। यहाँ पे एक पहाड़ी लोग दी है बारिश, हमारे अंचल के बच्चे ये हैं, बारिश छात्रों के साथ आप यहाँ उसके बच्चा यहाँ से देखिए दोस्तों लग गए हैं आगे से एंजल्स एकेडमी कपूर के बच्चे। और ये है मैम बैठे हुए हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं। कुछ इस तरह के दिख रहे हैं सब लोग, तो बीच में जा नहीं सकते हैं, अपनी अपनी सेटिंग सब लोग कर रहे हैं। तो अभी दिखाते हैं आगे से। श्रीमान रामचंद्र जोशी जी आज निवेदन करूंगा कि आप इन बच्चों की व्यवस्थाओं का करने में आगे सहयोग करेंगे, क्योंकि आप भी नोडल अधिकारी हैं, नोडल अधिकारी के तौर पर आप भी आज इस मेले में सहयोग कर रहे हैं। उसके बच्चे विवेकानंद विद्यालय हिचौड़ी आपकी संख्या है 41 और आपकी जो प्रभारी है श्रीमती भावना सरगल है, आप श्रीमती करूंगा। ये कौन से स्कूल के हैं? प्रमोद चंद्र पांडे जी आपसे निवेदन करूंगा कृपया अपने बच्चे के साथ आ जाए। उसके बाद हमारे सर जी और काफी अच्छे लुक दे रखा है इन्होंने बच्चे को। हेलो बच्चों के अपने प्रोग्राम को दिखाते हुए उसके बाद सीधे आप गेट पर खड़े रहेंगे। गेट पर प्राइमरी स्कूल कपूर जी महोदय है मॉडल के द्वारा अपनी हरी झंडी दिखाकर अपना पोजीशन लेते हुए बच्चे सुंदर सुंदर काफी हमारे रावण जी भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। हेलो कर दो रावण जी, हेलो। ये देखिए तो ये बने हैं हमारे, ये क्या बने हैं मुझे नहीं पता, आप लोगों को पता है। ये देखिए सुंदर सा यहाँ पे हमारा हल दिख रहा है, रोमानी ट्रेडिशनल यहाँ पे बने हुए हैं। मैं सॉरी अभी तो मैं पूरा लुक दिखाता हूँ उनका। ये है इनका फाइनली लुक, यहाँ पे ये है फाइनली लुक हमारे एंजल्स एकेडमी कपकोट के बच्चे। यहाँ से इस तरीके से अपना पोजीशन लेते हुए ये है ईरा मेरी बेटी। काफी सुंदर सुंदर लग रहे हैं सारे बच्चे। नंबर पर खड़े होंगे एंजल्स एकेडमी कपकोट, चौथे नंबर पर पाइनवुड इंटरनेशनल कपकोट, पांचवे नंबर पर महावा विद्यालय कपकोट, छठे नंबर पर जीजीआईसी एठर, सातवें नंबर पर विवेकानंद विद्यालय हिचौड़ी, आठवें नंबर पर कपकोट वैली कपकोट। काफी अच्छी माता रानी ताकि ये लोग दिखा रहे हैं यहाँ से हैं सारे सब लोग अपनी पोजीशन लेते हुए यहाँ से। मैं निवेदन करूंगा श्रीमान बलवंत सिंह अठानी जी एवं श्रीमान पाठक जी आपसे निवेदन करूंगा कृपया इन बच्चों की जो व्यवस्था करनी है तो किस प्रकार से बच्चों को खड़ा है आपके दिशा निर्देश पर यह क्रम लगना है। मैं निवेदन करता हूँ महोदय आपसे पुनः बच्चों को खड़ा कर दे ताकि समय, क्योंकि बच्चे दूरस्थ बहुत दूरस्थ स्थानों से बच्चे आए हुए हैं और यहाँ पर चंचल राम जी की टीम यहाँ पर आ चुकी है। हमारा ट्रेडिशनल त्योहार तो बच्चे मना रहे हैं बहुत खुशी से। महाविद्यालय कपकोट आंसू आपके प्रभारी डॉक्टर मुंडा जोशी जी हैं, आपसे भी निवेदन करता हूँ। धर्म की समाज की
एनसीसी कैडेट से करबद्ध निवेदन, इन बच्चों को अपनी सुरक्षा प्रदान करेंगे। प्यारे बच्चों, सभी लोग ध्यान दें अपनी सुरक्षा पर, किसी प्रकार की कोई हड़बड़ नहीं, किसी प्रकार का अधैर्य नहीं, अनुशासन मुख्य है। तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप लोग एक अनुशासन में रहेंगे, आगे जो है हमारे वाद्य यंत्र रहेंगे जो कि हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, और दूर दराज से जो दोस्तों कपूर वैली पब्लिक स्कूल कपूर बागेश्वर बहुत सुंदर लग रही है, हमारे दिशा निर्देशक करेंगे, काफी सुंदर सुंदर बने हुए सारे लोग यहाँ कॉम्पिटिशन है, हमारी कॉम्पिटिशन वैसी शुरू हो जाएगी। ठीक है, डीजे की बात बंद कर ले, पूरा संजय तिरवाजी आपसे निवेदन करते हैं, क्योंकि आपके विद्यालय डीजे बज रहा है, क्योंकि हमारी आवाज दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है, और मैं निवेदन करता हूँ हमारे मध्य हमारे सपोर्ट नगर पंचायत के प्रधानमंत्री के रूप में, जो कि इस पूरे मेले की जो दिशा निर्देश कर रहे हैं, श्रीमान गोविंद सिंह जी, आपसे निवेदन करता हूँ कि आज हमारे नगर बच्चों को सम्मानित करके इस मेले का शुभारंभ करेंगे श्रीमान गोविंद सिंह जी। हेलो 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 हेलो, हमारे पंडित जी भी पहुँच चुके हैं, देखिए काफी सुंदर सुंदर लुक अभी देते हैं लुक, उसके बाद आगे से जाके मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों। हमारे बहुत ही है यहाँ पे, तो काफी जितना सूट किया है मैंने सारा सूट हो तो हो ही गया है, तो बाद में दिखाती हूँ। तो दिशा निर्देश जागे का कार्यक्रम चल रहा है, और इस कार्यक्रम में जितने भी हमारे कपकोट नगर क्षेत्र से जुड़े विद्यालय हैं, महाविद्यालय अशोक हैं, हमारे विद्वान शिक्षक होते हैं, विदेशी शिक्षिकाएं होते हैं, मैं इस कार्यक्रम में आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, और खासकर जितने भी स्थल ये सरकारी विभाग, चाहे कृषि से हो, युवा कल्याण हो, शिक्षा विभाग हो, उद्यान विभाग है, और मैं चाहता भी हूँ कि स्टॉल कम से कम ये मेला आज से शुरू होकर 19 तारीख तक यह मेला चलेगा, और ये स्टॉल 19 तारीख तक यहाँ पर लगे रहे, मेरी ऐसी आपसे अपेक्षा है, और हम सब लोग समय भी ज्यादा हो रहा है, मुख्य अतिथि लोग भी पहुँचने वाले हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप एक झांकी के तौर पर, हेलो, अब झांकी में जैसी थीम और जैसी पहाड़ी लुक है, अब हम सब लोग लगभग 2 बजे तक हमने मेन मंच काफी लंबी चौड़ी है दोस्तों, सबसे ज्यादा लंबी चौड़ी है कॉलेज की, तो काफी सुंदर दिख रहे हैं ढोल डमरू, और जितने भी हमारे बच्चे हैं बांसुरी इत्यादि के साथ बच्चों की सुंदर सी झांकी आगे बढ़ती है, और चौथे नंबर पर पाई जो कि अपना आगे तो बढ़ेगी, इसके बाद आपसे पहले हैं अकेडमी अपने मंच की ओर आगे बढ़ते हुए सुंदर सी झांकी के रूप में, और उसके बाद पाइन ओ भुक्त की माला भी लेकर हर महादेव किनारे के साथ आगे बढ़ते हुए, हर हर महादेव, हर हर महादेव की भगवान की जय, हर शरीर की जय, भगवान की जय, भगवान की जय, भगवान की जय, भगवान की जय, अपने धन्य के साथ मां बाल शिक्षा स्वास्थ्य मंदिर अपने टीम के साथ आगे बढ़ता हुआ, अपने ढोल के साथ, अपने उपकरणों के साथ, अपने साक्षरता के साथ आगे बढ़ता हुआ, और मां मां के बाद दूसरे ऐसी स्थान, और धन्य है कि हम लोग बीच में गैपिंग न हो, बीच में गैपिंग न हो, जहाँ पर गैपिंग हो रही है रुक जाए, जहाँ पर भी गैपिंग बन रही है रुक जाए, आगे गैपिंग हो रही है, नवी सी तरह गैपिंग को भराए, नई सी गैप को भर दीजिए, पाठक जी और अकेडमी गैपिंग को भरवाने का कष्ट दीजिए अपने सहयोगियों के साथ, हमारे टीचर सहयोगी दलों से बच्चों के गैप को भर दीजिए, ताकि झांकी जो है वो बीच में टूटे नहीं, और उसके बाद विवेकानंद विद्यानंद विवेकानंद जी का मार्गदर्शन के रूप में बिजोड़ी जो है वो आगे बढ़ता हुआ, विवेकानंद, और हाँ हाँ रेखाड़ी की चादरी की टीम भराड़ी के यदि आप इनके साथ भी जा सकते हैं, बीच में चादरी आप कर सकते हैं मैदान में, रेखाड़ी की एक बहुत सुंदर टीम हमारी चादरी के आई है, बसों के पीछे